दोस्तों, क्या आपने कभी मम्मी के बारे में सुना है? मम्मी, सड़ी हुई लाशें, ये बहुत ही डरावनी बातें हैं। और मैं उस द मम्मी मूवी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ इस बार, एक्चुअल रियल मम्मी। जैसे कि कैसे पुराने समय में मम्मी को प्रिजर्व किया जाता था और कितने प्रकार की मम्मी हो सकती है, जैसे किसी प्राकृतिक कंडीशंस की वजह से बनी हुई या फिर कहीं भी फंसी हुई मम्मी, या फिर किसी इंसान के द्वारा कृत्रिम विधि द्वारा किन किन तरीकों से मम्मी बनाई जाती थी। और अब तो सुनने में आ रहा है एक तीसरे तरह की मम्मी भी होती थी, जिसे सेल्फ मम्मीफिकेशन कहा जाता था। यानी भारत में हिमालयाज में बौद्ध धर्म के भिक्षुक खुद को सेल्फ मम्मीफाइड कर लेते थे और अपनी बॉडी को सैकड़ों साल तक प्रिजर्व कर सकते थे। ऐसे बहुत अलग अलग तरह की विश्व प्रसिद्ध मम्मीज हैं, जैसे टॉलेंड मैन, गाउल मैन, लिंडो मैन। इस वीडियो में हम उन सारी तरह की मम्मियों के बारे में जानेंगे, वो क्या होती थी, कैसे पाई जाती थी और किन किन विधियों से उन्हें प्रिजर्व किया जा सकता था। ठीक है, बिना किसी भी तरह के डीले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 6 मई 1950, दो डेनिस भाई एक दलदल में खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक खोदते खोदते उन्हें एक लाश मिल गई। और उस बॉडी की कंडीशंस को देख के उन्हें लगता है कि हाल ही में कहीं क्राइम हुआ है, तो उन्होंने फटाक से पुलिस को कॉल किया। और जब पुलिस आई, जांच हुई, तो पता चला कि यहाँ पे किसी भी तरह का क्रिमिनल एक्ट नहीं किया गया था। तो किस तरह की ये बॉडी थी? ये बॉडी थोड़ी पुरानी थी, यानी जिसका ये मर्डर हुआ था और जिसने इस मर्डर को अंजाम दिया था, वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। ये बॉडी 2200 साल पुरानी थी, 2200 साल पुरानी, और आज ये टोलन मैन के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। सोचिए कितनी पुरानी बॉडी, इसका पूरा पूरा चेहरा साफ दिखाई पड़ रहा है, उसकी दाढ़ी भी दिखाई पड़ रही है, रस्सी भी दिखाई पड़ रही है, सर पे टोपी भी लगी हुई है। ऐसी किस कंडीशन में वो था कि उसकी बॉडी 2200 साल तक इतनी सुरक्षित बची रही? और वो भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा उसकी मौत के बाद वो कुछ इस कंडीशंस की वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक अलग कैच और है कि ये मम्मीफाइड बॉडी आर्टिफिशियली नहीं बनाई गई थी। मतलब जैसे इजिप्ट में होता है, हम लोगों ने सुना है कि मम्मीज इजिप्ट में बनाई जाती थी, तो ये तो मम्मीफाइड बॉडी इजिप्शियन बॉडी नहीं है और ना ही किसी कृत्रिम विधि द्वारा बनाई गई है, ये तो प्रकृति के नियमों पर बनी है। इजिप्ट की मम्मीफाइड बॉडीज तो व्हाइट स्ट्रिप्स में लपेटी हुई एक बक्से में बंद होती है, और इस तरह की बॉडी को ही प्राकृतिक मम्मी कहा जाता है। और इजिप्शियन बॉडी इस तरह से लावारिस नहीं होती है, ये इजिप्शियन बॉडी नहीं है। इस मम्मी के चेहरे को देखिए, इसके बियर्ड हेयर को देखिए, एवरी सिंगल थिंग्स लुक्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। देखिए, सेंचुरी पुराना नहीं है, कुछ नया ही है। ठीक है, इस बॉडी को देखिए, अब ये प्राकृतिक नियमों पर बनी हुई बॉडी नहीं है। सॉरी, यहाँ प्राकृतिक नियमों का मतलब है कि ये लावारिस कहीं भी फेंक दी गई हुई बॉडी नहीं है, और ना ही किसी के मरने के बाद वेल प्रिजर्व की गई आर्टिफिशियल मम्मी है। ये एक ऐसी मम्मीफाइड बॉडी है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं ने खुद को खुद से मम्मीफाइड किया था। शायद ये न्यूज आपको नहीं पता होगी, बट वीडियो को पूरा देखिए तो समझ में आ जाएगा, और फिर बाद में रिसर्च कर लीजिएगा। इंडिया में मम्मी पाया जाना ये आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, लेकिन हिमालयाज में आपको ऐसी बहुत सी एंशियंट टेक्निक्स मिल जाएंगी, जहाँ पे लोग अपने आप को सेल्फ मम्मीफाइड करते थे कुछ योगा टेक्निक के द्वारा और अपने खानों पे नियंत्रण के द्वारा। 1975 में एक पावरफुल अर्थक्वेक हिमालय के स्पीति वैली को बहुत बुरी तरीके से हिट करता है, तो उसके बाद बहुत सारी बर्फ सड़क पे आ जाती है, जिसके लिए इंडियन सोल्जर वहाँ पे उस डैमेज को फिक्स करने लगते हैं। उन सारी चीजों को खोदते हुए जब उन सारी चीजों को वहां से हटा रहे थे, तभी उनके टूल में एक स्कल फंसा। स्कल मतलब खोपड़ी। तो उन्हें लगा होगा कि ये कोई डेड काफ की खोपड़ी हो सकती होगी, लेकिन जब फिर लगातार खोदते चले गए तो वो डर गए थे कि उन्हें क्या मिला। उन्हें मिली एक मम्मीफाइड बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो अभी तक डीकम्पोज नहीं हुई थी, और वो बॉडी एक बैठी हुई पोजीशन में, उसकी खोपड़ी उसकी नी पे थी यानी घुटनों पे थी, उसकी स्किन अभी भी वैसी ही थी, उसके लिप्स खुले हुए थे, दांत साफ साफ सफेद सफेद दिखाई पड़ रहे थे, और जो उसके नाखून थे अभी भी लगातार बढ़ते जा रहे थे। और डीएनए टेस्ट कंफर्म हुआ कि जो बॉडी थी वो 550 साल पुरानी थी। और उसका नाम ढूंढा गया तो पता चला उसका नाम था सेंगा तेंजिन। सेंगा तेंजिन ने अकेले गुफाओं में सालों तक मेडिटेशन किया था, और वहाँ के लोग कहते थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर दिया अपने यहाँ के लोगों की नेचुरल कंडीशन को बेहतरीन करने के लिए। वो तो ठीक है, कैसे ये सेल्फ मम्मीफिकेशन प्रोसेस काम करता है और कैसे कोई इंसान अपने बॉडी को खुद से मम्मीफाइड कर सकता है, ओके, तो इसका मतलब आपको सब कुछ पता चल चुका है। तो हम यहाँ पे हम मम्मीफिकेशन को कुछ कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जैसे नेचुरल मम्मीफिकेशन और आर्टिफिशियल मम्मीफिकेशन। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल मम्मी, जब लोग खुद से अपनी किसी इच्छा के अनुसार किसी बॉडी को हजारों सालों तक प्रिजर्व करना चाहते हैं, और वो एक ऐसी विधि को डेवलप करते हैं जिससे वो उस चीज में कामयाब हो जाते हैं,
उसे ही आर्टिफिशियली मोमिफिकेशन टेक्निक्स कहा जाता है, क्योंकि पुराने जमानों में होता था चाइना में, इंडिया में, कनेक्टिकट आइलैंड में, साउथ अमेरिका में, एंड द मोस्ट फेमस आर्टिफिशियल मम्मी मेकिंग मशीन इजिप्ट। और सारी कंट्रीज मोमिफिकेशन के प्रोसेस में सबसे ऊपर मानी जाती थी। बट यहाँ पे कुछ अलग तरीके की चीजें और भी हो रही थी, यानी कुछ बॉडीज को आर्टिफिशियल तरीके से प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं थी, उनके लिए प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि वो नेचुरली ही हजारों सालों तक प्रिजर्व हो सकती थी। जब ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है और माइक्रोब्स भी कम हो जाते हैं, जैसे कि ग्लेशियर में फंस जाना, यहाँ पे तापमान बहुत ही ज्यादा कम होता है जिससे माइक्रोब्स की कमी होती है, रॉ डेजर्ट में फंस जाना जहाँ पे मॉइस्चर की बहुत ज्यादा कमी होती है क्योंकि मॉइस्चर ही माइक्रोब्स को अट्रैक्ट करता है, और किसी कोयले के दलदल में फंस जाना। और ये सारी कंडीशंस प्राकृतिक विधि से बॉडीज को हजारों सालों तक प्रिजर्व करती है। और इस फेमस बॉग बॉडी टोरन मैन के केस में एक कोयले की दलदल में फंसा हुआ था। जहाँ भी आप स्वाम्पी कोल पीट को देखते हैं, यानी कोयले की दलदल को देखते हैं, उसके ऊपर कुछ मॉस नामक घास उग जाती है जो कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करती है जो बैक्टीरियस को मार डालता है और ऑक्सीजन लेवल को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है, जो किसी भी बॉडी को प्राकृतिक रूप से हजारों सालों तक प्रिजर्व करने वाला एनवायरनमेंट हो चुका है। और इसी वजह से टोलन मैन की बॉडी 2200 सालों तक सुरक्षित रही और इसी तरीके से ग्लेशियर से भी बॉडीज प्रिजर्व रहती हैं। अच्छा तो ठीक है, वो योगा वाले इंसान के बारे में क्या हुआ था? उस मम्मी के कंपेरिजन में अगर हम इजिप्शियन मम्मीज के बारे में बात करें तो आपने बौद्ध भिक्षु के चेहरे पे कुछ ऐसे फंगस को ग्रो होते हुए देखा होगा। इजिप्शियंस मम्मी के बॉडी पे कुछ आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स लगाया जाता था जिससे उनकी बॉडी फंगस से भी बची रहती थी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इसकी बॉडी पे फंगस एक्चुअली ग्रो कर रहा है, जिसका मतलब है कि आर्टिफिशियल तरीके से नहीं किया गया है। इस तरह के मोमिफिकेशन प्रोसेस को सुकुसुम्बित्सु कहा जाता है, जो कि 10वीं-11वीं शताब्दी से जापान में बहुत ज्यादा फेमस थी। उस टाइम पे इस विधि को एनलाइटमेंट पाने का एक रास्ता माना जाता था, यानी ज्ञान पाने का। इसमें लोग अपनी बॉडी में खुद को बुद्धा बनाते थे, बट ये इतना हार्ड प्रोसेस होता था सेल्फ मोमिफिकेशन कि सन 1081 से 1903 सिर्फ 20 लोग ही इस प्रोसेस में कामयाब हो पाए थे। टिपिकली ये मॉन्क्स एक स्पेशल टाइप की डाइट को फॉलो कर रहे थे जिसमें अपने फैट इनटेक को कम करना चाहते थे। वो हर्ब्स, रूट्स, नट्स, इन्हीं चीजों का सेवन करते थे, और जितने अलग तरह के फूड थे जैसे राइस, व्हीट, दाल, ऑयल, सारे तरह के फूड आइटम्स जो कि हमारे बॉडी में फैट डालती हैं, उससे दूर रहते थे। और रिजल्ट में उनकी बॉडी श्रिंक होना शुरू हो गई, जो उनकी बॉडी को डिकम्पोज होने से रोक रही थी। जब उन्हें महसूस हुआ कि वो मौत के करीब जा रहे थे, वो अपने बॉडी को एक बॉक्स में बंद करते थे और 10 फीट जमीन में नीचे गाड़ देते थे। और वो बॉक्स एक बैम्बू ट्यूब से बाहर की ओर खुला होता था ताकि अंदर ऑक्सीजन आ पाए। और इस बॉक्स में घंटी भी लगी होती थी जो कि बार बार ये बताती थी कि वो आदमी अभी तक जिंदा है या नहीं। और वो योगा करता हुआ भिक्षु अंदर अंधेरे में योगा कर रहा था, और जो घंटी थी वो एक दिन में एक बार बजती थी। जब वो घंटी बजना बंद हो जाती थी तो अदर मॉन्क्स को लगता था कि हाँ, वो अब मर चुके हैं। और 1000 दिन के बाद वो उस बॉक्स को बाहर निकालते थे और चेक करते थे कि उनकी बॉडी मम्मीफाइड हुई या नहीं, यानी अभी भी सही सलामत है कि डिकम्पोज हो चुकी है। और अगर उनकी बॉडी अभी भी बची रहती थी तो सारे बौद्ध भिक्षु समझ जाते थे कि उनकी बॉडी को सुकुसुम्बित्सु मिल चुका है। लेकिन इस प्रोसेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था जापानीज गवर्नमेंट द्वारा 1877 में ही। लेकिन बहुत से बौद्ध भिक्षु छुप छुप के अभी भी करते थे। ऐसी बहुत सी सिमिलैरिटीज आपको इंडिया में भी मिल जाएगी, जहाँ पे मॉन्क, साधु, भिक्षु, नागा साधु अपने आप को हिमालय की कड़कती ठंडियों में गलाते हैं समाधि के स्टेट तक पहुंचने के लिए। ओके, तो ठीक है, इजिप्शियन बॉडी कैसे प्रिजर्व होती थी पहले, और इंसानी विधि क्या है बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। एंशियंट इजिप्शियन इसे इटरेटिव मैनर में, यानी स्टेप बाय स्टेप करते थे। वो ये विश्वास करते थे कि मरने के बाद इंसान की बॉडी ट्रैवल करती है, तो उनकी बॉडी को उन्हें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। उनकी सबसे बढ़िया और सबसे पहली विधि ये थी कि वो बॉडी के अंदर से वो सारे अंगों को निकाल लेते थे। यहाँ पे माइक्रोब्स हैवली पाए जा सकते हैं, जैसे दिल, गुर्दे, किडनी, पेट, दिमाग। उसके बाद वो बॉडी को नाइट्रोन पाउडर में रखते थे, जो कि जाना है इसलिए जाता है कि वो मॉइस्चर को बॉडी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सुखा सकता है, निकाल सकता है। क्योंकि वो ये ऐसा नहीं चाहते थे कि बॉडी पर दोबारा जर्म्स अटैक करें। सारे मॉइस्चर को निकाल लेने के बाद वो बॉडी के अंदर लेनिन क्लोथ डालते हैं और उस बॉडी को पुराने शेप में दोबारा लेकर आते हैं। वही लेनिन क्लोथ से बॉडी को ऊपर से भी बांधते हैं, और रेजिन जो आपने बचपन में देखा होगा पेड़ों के ऊपर लगा हुआ गोंद होता है, उस लेनिन क्लोथ्स को रेजिन से बॉडी पर चिपकाते थे और उसके बाद उस बॉडी को बक्से में बंद कर देते थे। बस इतने से प्रोसेस के बाद ही उनकी बॉडी हजारों सालों के लिए प्रिजर्व हो जाती थी, और यही इजिप्शियंस की विधि है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए।
मैं एक विद्यार्थी हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। आप थैंक्स बटन या फिर ज्वाइन बटन दबा कर मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।